नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने माइनिंग MCQ की सीरीज स्टार्ट करके रखी है, तो फ्रेंड्स इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे माइनिंग सर्वेइंग से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे MCQ के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें जो है आपको चार ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें से अगर आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं या कोल इंडिया में जो सब्सिडरी है जैसे MCL, CCL, BCCL, इनमें से किसी के लिए आप सरदार, ओवरमैन या सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप डिप्लोमा माइनिंग है, इसके अलावा BTech है या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग है फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम जो है डेली आपको ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है इसमें आपको माइनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसके अलावा सर्वेइंग के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स डू थियोडोलाइट क्लासीफाइड। थियोडोलाइट को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा 3, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 4 या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा 5। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2। फ्रेंड्स, थियोडोलाइट की बात करें तो थियोडोलाइट दो प्रकार का होता है, पहला होता है ट्रांजिट और दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टाडिया मेथड कैन आल्सो नॉन एज। स्टाडिया मेथड जो होता है उसको और कुछ भी कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स्ड हेयर मेथड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा मूवेबल हेयर मेथड, थर्ड ऑप्शन है हमारा सब्सटेंस मेथड या फोर्थ ऑप्शन है हमारा टेंजेंशियल मेथड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड हेयर मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ एरर्स। इसमें जो है एरर का सोर्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा पर्सनल एरर, थर्ड ऑप्शन है हमारा नेचुरल एरर या फोर्थ ऑप्शन है हमारा आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल एरर। इसमें जो है आप फोटो में देख सकते हैं कि एरर तीन प्रकार का होता है, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और नेचुरल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच टाइप ऑफ सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड। लीनियर मेजरमेंट में जो है किस टाइप का सर्वे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंटूरिंग, सेकेंड ऑप्शन है हमारा चेन सर्वेइंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा थियोडोलाइट सर्वेइंग या फोर्थ ऑप्शन है हमारा डंपी लेवल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के माध्यम से जो है लीनियर मेजरमेंट किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्यूरेसी इन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी लाइंग द। एक्यूरेसी जो है वो किस पर डिपेंड होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेक लाइन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा बेस लाइन, थर्ड ऑप्शन है हमारा टाई लाइन या फोर्थ ऑप्शन है हमारा सर्वे लाइन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चेक लाइन। चेक लाइन के ऊपर जो है वो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंपास ट्रैवर्जिंग लेंथ ऑफ लाइंस आर मेजर्ड। जो कंपास ट्रैवर्जिंग होता है उसमें लाइन की लेंथ किससे मेजर की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कंपास, थर्ड ऑप्शन है हमारा थियोडोलाइट या फोर्थ ऑप्शन है हमारा डंपी लेवल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चेन। चेन के माध्यम से जो है वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इजीली जो है हम चेन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंपास। कंपास के लिए जो है इसमें से कोई एक रिक्वायर्ड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बियरिंग एंगल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा लेंथ ऑफ द लाइंस, थर्ड ऑप्शन है हमारा ट्राइंगल या फोर्थ ऑप्शन है हमारा कनेक्टिंग लाइंस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वो कंपास सर्वेइंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्लूड एंगल कैन बी मेजर्ड। इसमें जो है इंक्लूड एंगल मतलब एक साथ कई सारे एंगल को मेजर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लॉक वाइज, सेकेंड ऑप्शन है हमारा काउंटर क्लॉक वाइज, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज।
फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी आपको एक जैसा दिख रहा होगा, बट फ्रेंड्स उसमें एंड लिखा है और इसमें जो है और लिखा है। और मीन्स दोनों में से किसी एक से क्लॉकवाइज से जो है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेवलिंग डील्स विथ मेजरमेंट इन अ, लेवलिंग डील्स में जो है किससे मेजरमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हॉरिजेंटल प्लेन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्टिकल प्लेन, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल प्लेन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से जो है लेवलिंग डील्स अच्छे से मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ लेवलिंग, इसमें से जो है लेवलिंग की मेथड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्प्रिट लेवल, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रावर्स लेवलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रावर्स लेवलिंग। ट्रावर्स लेवलिंग जो है वो लेवलिंग में किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो बैरोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और स्प्रिट लेवलिंग जो है वो लेवलिंग का मेन मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टाडिया लेवलिंग, मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो लेवलिंग का कौन सा पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्प्रिट लेवलिंग, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रावर्जिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है वो आपका लेवलिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन लेटीट्यूड ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव, लेटीट्यूड में जो है वो कौन सी लाइन पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉर्थ, सेकंड ऑप्शन है हमारा साउथ, थर्ड ऑप्शन है हमारा ईस्ट, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ। फ्रेंड्स किसी भी हम मैप बनाते हैं या मैप बनाने के दौरान जो है हम सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन ही मेजर करते हैं। नॉर्थ अगर हमें मिल जाए तो फ्रेंड्स इसके बाद जो बाकी डायरेक्शन है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच डायरेक्शन लेटीट्यूड ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, लेटीट्यूड में जो है वो कौन सी लाइन नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉर्थ, सेकंड ऑप्शन है हमारा साउथ, थर्ड ऑप्शन है हमारा ईस्ट, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी साउथ। साउथ जो है वो लेटीट्यूड में नेगेटिव को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द ट्रायंगुलेशन सिस्टम, ट्रायंगुलेशन सिस्टम में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टावर्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा सिग्नल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा बेसलाइन मेजरमेंट, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिकॉग्नाइजेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बेसलाइन मेजरमेंट। हम ट्रायंगुलेशन में सबसे पहले बेसलाइन को लेते हैं, ये जो है ये एक्यूरेट होना चाहिए, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लेक्सिबल एपरेटस, सेकंड ऑप्शन है हमारा रिजिड बार्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉल्बी एपरेटस, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा जेडर्स मेथड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जेडरिंस मेथड। जेडरिंस मेथड में जो है वो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ फ्लेक्सिबल एपरेटस, इसमें से जो है वो फ्लेक्सिबल एपरेटस कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपर टेप, सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्टील टेप, या थर्ड ऑप्शन है हमारा चेन, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा आयरन टेप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टील टेप। फ्रेंड्स स्टील टेप जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जंक नहीं लगता है, और ये कॉपर टेप की अपेक्षा और आयरन टेप की अपेक्षा जो है वो बेहतर चलता है और ज़्यादा चलता है और सस्ता भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्शन कैन बी अप्लाइड विदाउट मेजरिंग द टेम्परेचर इन फील्ड, फील्ड में जो है बिना टेम्परेचर मेजर किए हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आपको ट्रू और फॉल्स में देना है, क्या ऑप्शन नंबर सही है या फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द लेंथ ऑफ द टेंथ बेस इज, टेंथ मेस में जो है वो लेंथ क्या मानी जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1.7 मील्स, सेकंड ऑप्शन हमारा 2.7 मील्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा 4.7 मील्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6.7 मील्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.7 मील्स। फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग प्रकार से अपनी लेंथ को रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो है वो टेंथ बेस को माना गया है कि 1.7 मील्स इसकी लेंथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा, जैसा कि आप फोटो में जो है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द बेस लाइन इन अ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज गिवन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जब करते हैं तो उसमें बेस लाइन की लेंथ क्या होती है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1.5 से 5 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है हमारा 0.5 से 10 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.5 से 3 किलोमीटर या फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5 से 15 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 से 15 किलोमीटर। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन में माना जाता है कि जो हमारी बेस लाइन है वो कम से कम 5 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 मीटर हो सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ट्रायंगल किस में होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइमरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी, थर्ड ऑप्शन है हमारा टर्टियरी या फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोऑर्डिनेटरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टर्टियरी। ऐसा माना जाता है कि टर्टियरी में जो है वो सबसे ज़्यादा एंगल फॉर्म होते हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा एंगल होते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें जो है आपको माइनिंग के क्वेश्चन, सर्वेइंग के, इसके अलावा जो भी जॉब अपडेट होती है फ्रेंड्स माइनिंग की, तो इसमें जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।